ये हकीकत है कि यूरोपियन और हिंदुस्तान के फिरका परस्त मुअर्रखों ने औरंगजेब आलमगीर को जितना बदनाम और रुसवा किया है, इसकी मिसाल हिंदुस्तान की तारीख में मिलना नामुमकिन है। इनको हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता है और इन पर इल्ज़ाम है कि बहुत से हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया और लाखों हिंदुओं को सिर्फ इस बात पर कत्ल कर दिया क्योंकि वो हिंदू थे। और इनकी बाबत कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुओं के हज़ारों मंदिर डा दिए, उनको मुतअस्सब, मक्कार, जालम और ना जाने क्या क्या कहा जाता है। गरज ये कि बदतर से बदतर जो इल्ज़ाम किसी अदना दर्जे के हुक्मरान पर लगाया जा सकता है वो भी इस बादशाह के सर थोप दिया गया है। हालांकि जहां तक हकीकत का तल्लक है, इन पर आयद करदा इल्ज़ामों में से कोई एक इल्ज़ाम भी दुरुस्त नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अकबर की तरह बेदीन और जहांगीर की तरह मजहबी मामलात में लापरवाह नहीं थे, बल्कि इस्लामी शआर के सख्ती से पाबंद थे और गालबन यही इनका सबसे बड़ा गुनाह था। औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन इन पर हिंदू कशी के इल्ज़ाम की असल हकीकत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि उनका सबसे बड़ा फौजी सिपा सालार राजा जय सिंह था। चिनाचे जब तक राजा जय सिंह जिंदा रहा, औरंगज़ेब आलमगीर ने जंगी मामलात में इस हिंदू जर्नैल के मुकाबले में किसी मुस्लिम सिपा सालार का एतबार ना किया। यहाँ तक कि औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने मामू शायस्ता खान को दक्कन से हटाकर शिवाजी के मुकाबले के लिए राजा जय सिंह को भेजा था। अगर औरंगज़ेब मुतअस्सब या तंग नज़र होता तो वो एक हिंदू की सरकोबी के लिए कभी दूसरे हिंदू को ना भेजता। राजा जसोनत सिंह, जिसके बारे में ये आयान था कि वो औरंगज़ेब आलमगीर का सबसे पुराना दुश्मन था, लेकिन जसोनत सिंह के पुराने बागी होने के बावजूद औरंगज़ेब आलमगीर ने इसके सुपुर्द काबुल जैसा अहम सूबा किया था जहां 100% कट्टर मुसलमान थे। क्या कोई मुतअस्सब बादशाह ऐसा कर सकता है? इसके अलावा औरंगज़ेब आलमगीर की जंगी सरगर्मियों पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि उनके 50 साल जंगी जद्दोजहद में राजपूत बराबर इनके दोष बदोश लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने बेटों पर तो शुबा किया मगर किसी राजपूत की तरफ कभी किसी किस्म का शोबा इनके दिल में नहीं आया। महाराणा उदयपुर बहुत से राजाओं को मुतहिद करके औरंगज़ेब आलमगीर के खिलाफ ऐलान बगावत कर देता था, लेकिन जब इसे शिकस्त और नाकामी होती तो वो औरंगज़ेब आलमगीर से माजरत कर लेता था और औरंगज़ेब आलमगीर खंदा पशानी के साथ इसे गले लगा लेते थे। इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर, कूच बिहार और दूसरी सैकड़ों हिंदू रियासतें जो अंदरूनी मामलात में बिल्कुल आज़ाद थीं, औरंगज़ेब आलमगीर जूं की तूं बरकरार रखता है। उनको कभी मुगलिया हुकूमत में शामिल करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन विजयपुर और गोलकुंडा की इस्लामी हुकूमतों को फना करके मुगलिया हुकूमत का जुजू बना लेता है। क्या हिंदू दुश्मन बादशाह के लिए ऐसा करना मुमकिन है? इसके अलावा मनसब, खिताबात और जागीरों की तकसीम में औरंगज़ेब आलमगीर ने कभी ना किसी मुसलमान में इम्तियाज़ किया और ना हिंदू में, सबको खुले दिल के साथ नवाजा। मगर कैसा सितम है कि फिर भी इसको हिंदुओं का कट्टर दुश्मन कहा जाता है। क्या ये औरंगज़ेब आलमगीर के साथ खुली ना इंसाफी नहीं है? इससे ये बात साबित हो जाती है कि यूरोपियन और हिंदुस्तान के फिरका परस्त मुअर्रखों ने सिर्फ इनके खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस बादशाह को बदनाम और रुसवा किया है। मुगलिया सल्तनत में औरंगज़ेब आलमगीर पहले बादशाह हैं जिन्होंने कुरान मजीद हिफ़ज़ किया और फ़ारसी मजमून नवेसी में नाम पैदा किया। इसके अलावा घुड़सवारी, तीर अंदाजी और फ़नून सिपागिरी में भी कमाल हासिल कर लिया। 17 बरस की उम्र में 1636 ईस्वी में दक्कन के सूबेदार मुकर्रर हुए। इसी दौरान में आपने कई बगावतों को फ़रोग़ किया और चंद नए इलाके भी फतह किए। शाहजहान की बीमारी के दौरान दारा शिकोह ने तमाम इंतज़ाम हुकूमत अपने हाथ में ले लिए थे।
दारा शिको की इस जल्दबाजी से शाहजहां की मौत की अफवाहें फैलने लगीं और मुल्क में अबतरी फैल गई। इन खबरों के सुनने की वजह से शाह शुजा ने बंगाल में अपनी बादशाहत कायम कर ली और आगरा पर फौज कशी के इरादे से रवाना हुआ। बनारस के करीब दारा शिको और शुजा की फौजों में जंग हुई, जिसमें दारा को फतह हासिल हुई। औरंगजेब आलमगीर ने मुराद से मिलकर दारा शिको के मुकाबले की ठानी और उज्जैन के करीब दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। औरंगजेब आलमगीर को फतह हुई और दारा को शिकस्त हुई। इसके बाद सामोगढ़ के करीब फिर लड़ाई हुई, जिसमें औरंगजेब आलमगीर को दोबारा कामयाबी मिली। इस कामयाबी के बाद औरंगजेब आलमगीर अबू अल मुजफ़्फ़र मुहैयुद्दीन के लकब से तख़्त पर बैठे और आपने हिंदुओं और मुसलमानों की फजूल रस्में ख़त्म कर दीं और फहाशी का इंसदाद किया और ख़ूबसूरत मकबरों की तामीर व आरइश ममनू करार दे दी। कवाल, नजूमी, शायर मौकूफ़ कर दिए गए। शराब, अफियूम और भंग बंद कर दी गई। दर्शन जरोका की रस्म ख़त्म कर दी गई और बादशाहों को सलाम करने का इस्लामी तरीका राइज किया। इसके अलावा सिक्कों पर कलमा लिखने का दस्तूर भी ख़त्म कर दिया गया। खाने की जिन्सों पर हर किस्म के टैक्स हटा दिए गए। जिस ज़माने में औरंगजेब आलमगीर अपने भाइयों से लड़ रहे थे और अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम की कोशिशों में लगे हुए थे, मरहटों की ताकत जनूबी हिंद में बराबर बढ़ती चली आ रही थी और उन्होंने जनूबी हिंद में बुरी तरह से लूट और गारतगरी बर्पा कर रखी थी। औरंगजेब आलमगीर के 2.5-3 साल खाना जंगी में और इसके बाद अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम में सरफ हो गए थे। इस दौरान में वो दूसरे मुल्की मामलात की जानब तवज्जो ना दे सके। चनाचे इस मुद्दत में मरहटों ने अपनी ताकत को अच्छी तरह मजबूत कर लिया। मरहटों ने शुरू शुरू में मुग़लों पर हाथ साफ नहीं किया, लेकिन बाद को वो मुगलिया हुकूमत के लिए भी अच्छा खासा मुस्तकिल ख़तरा बन गए थे। जिस ज़माने में औरंगजेब आलमगीर अयाम शहजादगी में बेजापुर के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे, शिवाजी भी इनके मलाजमों में शामिल था और उसने अपने मकबूजा इलाकों की औरंगजेब आलम के ज़रिए शाही सनद भी हासिल कर ली थी। लेकिन जब उसने देखा कि औरंगजेब आलमगीर बुरी तरह से बीजापुर की जंग में उलझ गए हैं और बादशाही इलाके फ़ौज से खाली पड़े हैं, तो उसने मुग़ल इलाकों पर भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया। इन इलाकों से उसे बेअंदाज सामाने जंग और 200 घोड़े मिले, तो उसने पहली मर्तबा सवारों का दस्ता तैयार किया और पठानों को अपनी फ़ौज में भर्ती करना शुरू किया और उसने ऐसी बाकायदा फ़ौज तैयार कर ली जो एक अच्छे से अच्छे तरतीब याफ्ता लश्कर से मैदान जंग में आकर बाखूबी मुकाबला कर सकती थी। मुग़ल शहजादों की खाना जंगी से भी उसने पूरा फ़ायदा उठाया। चनाचे वो एक तरफ तो मुग़लों के मुकाबले के लिए अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाता रहा और दूसरी जानब मुग़लों से पयामो सलाम और माजरत के ज़रिए अपनी गुज़श्ता हरकतों की माफ़ी हासिल कर ली। औरंगजेब आलमगीर क्योंकि इस वक्त भाइयों की जंग की वजह से चारों तरफ से घिरा हुआ था, इसलिए उसने शिवाजी को अच्छा आदमी ना समझते हुए भी इससे बिगाड़ पैदा करना पसंद ना किया। गरज ये कि उसने शिवाजी को माफ़ीनामा भी भिजवा दिया और कानकन का इंतज़ाम भी उसके सपुर्द कर दिया। शिवाजी के बाप शाहजी की कोशिशों से इसी ज़माने में शिवाजी की सिकंदर आदिल शाह से सुलह हो गई, मगर वाली बीजापुर से सुलह करने के बाद शिवाजी के लिए ये दिक्कत पैदा हो गई कि उसके हाथ से लूट मार करने का मैदान जाता रहा। इसके पास कोई बड़ी जागीर तो थी नहीं, इसका सबसे बड़ा ज़रिया आमदनी यही लूट मार थी। 7-8 हज़ार सवारों और 50 हज़ार प्यादों का खर्चा वो इसी से निकालता था, लहजा उसने मुगलिया सल्तनत के इलाकों पर छापे मारना शुरू कर दिए। मुगलिया सल्तनत के शहनशाह औरंगजेब आलमगीर ने जब शिवाजी की ये रवश देखी तो आपको इसकी सरकोबी की जानब मुतवज्जा होना पड़ा। शहनशाह औरंगजेब आलमगीर ने अपने मामू शाइस्ता खान को शिवाजी की सरकोबी के लिए भेजा। शिवाजी को जब ये मालूम हुआ कि शाइस्ता खान उसकी सरकोबी के लिए आ रहा है,
तो वो राजगढ़ से संगड़ा चला गया। शाइस्ता खान ने एक एक करके उसके तमाम इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि शाइस्ता खान पूना पर भी काबज हो गए और उसी हवेली में कयाम किया जो शिवाजी की बनाई हुई थी। इसके बाद शिवाजी के इलाकों को तबाह बर्बाद और फतह करने के लिए चारों तरफ लश्कर रवाना कर दिए गए और इस कदर तबाही मचाई गई कि शिवाजी परेशान होकर पहाड़ियों में ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो गया। शाइस्ता खान ने चुन चुन कर पूना के मरहटों को साफ कर दिया और हुक्म जारी कर दिया कि कोई शख्स किसी मरहटे को ना मुलाजम रखे और ना शहर में घुसने दे। इसके बाद शिवाजी एक बारात की शक्ल में पूना में दाखिल हुआ और शाइस्ता खान पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से इस हमले में शाइस्ता खान की जान बची। इसके बाद शिवाजी पूना से भागकर संगड़ा चला गया। इसके दूसरे दिन शाही फौज ने संगड़ा पर हमला कर दिया, मगर इस हमले में मुगलों को शिकस्त हुई। ये पहली शिकस्त थी जो मुगल सवारों को मरहटों के मुकाबले में हुई थी। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने लोगों पर तो ये जाहिर किया कि वो नासिक के मंदिर की यात्रा को जा रहा है, लेकिन उसने 4000 सवारों के साथ सूरत पर हमला कर दिया। सूरत इस ज़माने में हिंदुस्तान का सबसे दौलतमंद शहर था, चिनाचे इस लूट मार में शिवाजी को बेअंदाज दौलत हाथ लगी। शिवाजी के पास दौलत बेअंदाज मौजूद थी, जागीर भी इसके पास काफ़ी हो गई थी, लहजा उसने ये तय किया कि वो राजा बनने का ऐलान कर दे। चिनाचे राजगढ़ में उसने बाकायदा तौर पर अपनी ताजपोशी की रस्म अदा की और महाराजा शिवाजी भोंसले का लकब इख्तियार किया और अपने नाम का सिक्का भी जारी कर दिया। इसके बाद शिवाजी ने एक समुंदरी बेड़ा बनाया और इस समुंदरी बेड़े के ज़रिए उसने समंदर में भी लूट मार का सिलसिला शुरू कर दिया। चनाचे इस इलाके के साहिल के करीब जो भी जहाज़ गुजरता वो इसे लूट लिया करता था, यहाँ तक कि उसने हाजियों के जहाज़ों को भी लूटना शुरू कर दिया। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर को जब मालूम हुआ कि शिवाजी ने हाजियों के लिए और समंदरी ताजरों के लिए समंदरी रास्ते भी बंद कर दिए हैं और दक्कन में पहले से ज़्यादा तूफान बर्पा कर दिया है, तो औरंगज़ेब आलमगीर ने राजा जय सिंह और दलेर खान को शिवाजी की सरकोबी के लिए भेज दिया और हुक्म दिया कि वो शिवाजी की सारी जागीर को ताराज करके रख दें और इस वक्त तक चैन से ना बैठें जब तक शिवाजी का फितना ख़त्म ना हो जाए। चनाचे राजा जय सिंह ने आते ही शिवाजी के कई किलों और ठिकानों पर हमले करना शुरू कर दिए और बस्तियों को ताराज कर दिया गया। आखिर नतीजा ये निकला कि एक एक करके बहुत से किले शिवाजी के हाथ से निकल गए। इन मारकों में मरहटों ने बार बार मुगलों से मुकाबला करने की कोशिश की, मगर वो किसी एक मैदान में भी ना जम सके। गरज ये कि राजगढ़ जो शिवाजी का दारुल सल्तनत था और कुंधाना जहां शिवाजी के अहलो अयाल रहते थे, इन दो मकामात के अलावा शिवाजी का सारा इलाका इसके हाथ से निकल गया। शिवाजी के सारे इलाके को ताराज करने के बाद राजा जय सिंह और दलेर खान की फौजें शिवाजी पर आखिरी ज़रब लगाने के लिए 1665 ईस्वी में किला राजगढ़ और किला कुंधाना की जानब आगे बढ़ी और इन दोनों मकामात का मुहासरा कर लिया। मरहटों ने शुरू में तो बहुत सख्त मुकाबला किया, लेकिन जब उन्होंने ये समझ लिया कि ये किले ज़रूर फतह हो जाएंगे तो शिवाजी ने राजा जय सिंह से माफ़ी की दरख्वास्त की। राजा जय सिंह जो शिवाजी को एक मक्कार आदमी समझता था, शुरू में तो माफ़ी देने से इनकार करता रहा, लेकिन जब शिवाजी ने हर तरह से अपनी अतात और बादशाह की खिदमत गुजारी का यकीन दिलाया तो राजा जय सिंह ने शिवाजी को अपने पास आने की इजाज़त दे दी। इस फितने को दबाने के बाद औरंगज़ेब आलमगीर ने तिब्बत की फतह के लिए लश्कर रवाना किए। पहले तो राजा को अतात के लिए कहा, जब वो ना माना तो जंग शुरू कर दी। राजा ने इब्तदा में तो मामले को टालने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद उसने अतात कबूल कर ली। इसी साल ही औरंगज़ेब आलमगीर के हुक्म के मुताबिक शाइस्ता खान बंगाल के सूबेदार ने अरकान और चिटागंग पर हमला करके वहां के राजाओं और पुर्तगेजियों को इबरतनाक शिकस्त दी
और चिटागंग पर भी कब्जा जमा लिया। इसके बाद मुगल लश्करों ने 1666 ईस्वी में राजा जय सिंह की कयादत में विजयपुर पर चढ़ाई कर दी। इस मुहिम की बड़ी खसूसियत यह है कि इसमें शिवाजी और बहुत से मराठा सरदार भी मुगलों के साथ थे, जिन्होंने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया और बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। इस मुहिम में सबसे पहली फतह मराठा सरदार नेताजी को हासिल हुई। इसके बाद तो ये हालत हुई कि मुगल फौज के मराठा और राजपूत सरदार जिधर भी जाते इलाके के इलाके फतह करते चले जाते। किलों को सर करने में मुगल फौज को शिवाजी और नेताजी से बहुत ज्यादा मदद मिली, क्योंकि इन दोनों को किलों को फतह करने में बड़ी महारत हासिल थी। बीजापुरियों ने कई जगह पर मुकाबला किया। इनका मशहूर सरदार याकूत भी मारा गया, लेकिन इनको तकरीबन हर मोर्चे पर शिकस्त हुई। मुगल फौज और मराठे बढ़ते बढ़ते बीजापुर तक जा पहुंचे। बीजापुर का सारा मुल्क उन्होंने ताराज करके रख दिया। सिकंदर आदिल शाह इस कदर घबराया कि उसने बार बार सुलह की दरख्वास्त की, लेकिन राजा जय सिंह ने इसे नामंजूर किया, बल्कि उसने फतुहात के सिलसिले को बराबर जारी रखा। बीजापुरियों ने शिवाजी को तोड़ना चाहा तो शिवाजी ने कोरा जवाब दे दिया, लेकिन नेताजी टूटकर बीजापुरियों से जा मिला। इसके अलावा बीजापुरियों ने वालिये गोलकोंडा कुतुबुल मलक को भी अपने साथ मिला लिया, लेकिन गोलकोंडा की फौजें भी बीजापुर को तबाही से ना बचा सकीं। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि गोलकोंडा की फौज के आने के बाद मुगलों की फतुहात की रफ्तार सुस्त पड़ गई, और इसके फौरन ही बाद चूंकि बारिश का मौसम आ गया था, इसलिए राजा जय सिंह को अपनी सरगर्मियों को कुछ अरसे के लिए बंद कर देना पड़ा। इस मुहिम का नतीजा ये निकला कि बीजापुर का सारा इलाका तो ज़रूर तबाह बर्बाद हो गया, मगर मुगलों को फिर भी बीजापुर पर कामल फतह ना मिल सकी। बीजापुर के मार्के में शिवाजी ने जो नमाया खिदमात सर अंजाम दी थी, इससे खुश होकर औरंगजेब आलमगीर ने दो दफ़ा शिवाजी को खुशनुदी के फरमान भेजे और इसकी जुर्रत और बहादुरी की बहुत तारीफ की, और इसके साथ ही शिवाजी को दिल्ली आने की दावत भी दी। बादशाह की दावत पर और राजा जय सिंह के हर तरह इत्मीनान दिलाने पर शिवाजी अपने बेटे सांबा के साथ 1666 ईस्वी में बादशाह की खिदमत में दिल्ली रवाना हो गए। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद शिवाजी को ये देखकर अफसोस हुआ कि ना तो इसका खातर ख्वाह इस्तकबाल किया गया है और ना ही कोई ख़ास एजाज़ अता किया गया है। औरंगज़ेब आलमगीर ने राजा जय सिंह के मकान के पास शिवाजी के क़याम का इंतज़ाम कराया और इसे नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन शिवाजी मुग़ल पहरेदारों को धोखा देने के बाद वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। शिवाजी ने दिल्ली से फरार होने और दक्कन पहुंचने के बाद नए सिरे से मुगलों के खिलाफ 1668 ईस्वी में शोरश बरपा कर दी, और वालिये गोलकोंडा को अपने साथ मिलाने के बाद शिवाजी ने मुगलों के बहुत से किले फतह कर लिए। इन हालात को देखते हुए औरंगजेब आलमगीर ने महाबत खान को 40,000 फौज देकर शिवाजी की सरकोबी के लिए भेजा। महाबत खान ने दक्कन पहुंचते ही शिवाजी के किलों को फतह करना शुरू कर दिया। मुगलों से मराठों की कई महीने तक जंग होती रही। कैफियत ये थी कि कभी मराठे गालिब आ जाते और कभी मुगल हावी हो जाते। आखिर मराठों को शिकस्त हुई और मराठों के कई बड़े बड़े सरदार इस जंग में मारे गए। इस जंग में आगर खान सानी ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का सबूत दिया। उसने पूना तक, जो शिवाजी का घर था, सारे इलाके को तख्तो ताराज कर दिया। मगर इसके बाद शिवाजी ने जब दोबारा मुगलों के खिलाफ शोरश बरपा की तो मुगलों से बहुत से इलाके छीन लिए, यहाँ तक कि शिवाजी ने अपने बाप की उस जागीर पर भी कब्जा जमा लिया जो कर्नाटक और मैसूर में थी और जिस पर शिवाजी का सौतेला बाई काबज था। शिवाजी ने इस तरह मराठों के लिए एक वसी और दौलतमंद हुकूमत बना दी, जिसका मराठे इससे कबल तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। शिवाजी के मरने के बाद उसकी जानशीनी का झगड़ा चला। मराठों का एक तबका सांबाजी के हक में था और दूसरा तबका सांबाजी के छोटे भाई राजा राम को तख्त पर बिठाना चाहता था। राजा राम के हामियों को नाकामी हुई और सांबाजी बाप की जगह राजा बन गया। औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान का पहला बादशाह है जिसने अफगानिस्तान के आज़ाद कबाइल के
इन इलाकों में जाकर फतह हासिल की जो इससे कबल नाकाबले तस्खीर कहे जाते थे। दूसरी तरफ दक्कन में बदनज़मी की इंतहा हो चुकी थी। औरंगज़ेब आलमगीर के पास राजा जय सिंह जैसे लायक सिपा सालार नहीं थे जो दक्कन को जेर कर सकते थे। शहजादा मुअज़्ज़म दक्कन के निज़ाम को बरकरार रखने में कती तौर पर नाकाम हो चुका था और उसके साथ जो सिपा सालार थे वो भी नाकाम हो चुके थे। इसलिए मजबूरन औरंगज़ेब आलमगीर को 1281 ईस्वी में खुद दक्कन जाना पड़ा। आपने पहले अजमेर शरीफ में हाजिरी दी, इसके बाद बुरहानपुर पहुँचे। बुरहानपुर से औरंगाबाद आए और यहाँ पहुँचने के बाद आपने शहजादा मुअज़्ज़म को राम दर्रा के किलों की तस्खीर के लिए रवाना कर दिया। बादशाह की दक्कन में मौजूदगी का बहुत अच्छा असर पड़ा। मरहटों के किले एक एक करके जेर होने लगे। इसमें कोई शुबा नहीं कि मरहटों ने बड़ी मर्दानगी के साथ मुकाबला किया, लेकिन ऐसी हालत में जबकि मुगल बादशाह इस इरादे से दक्कन आया था कि वो मरहटों की ताकत को कुचले बगैर चैन से नहीं बैठेगा, तो मरहटे कहाँ तक मुकाबला करते। आखिर उन्होंने मैदान में आकर मुकाबला करना छोड़ दिया। गरज ये कि 3 साल के अंदर अंदर 1684 ईस्वी में औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने बेशतर किले मरहटों से वापस ले लिए। 1685 ईस्वी में औरंगज़ेब आलमगीर ने मरहटों से बहुत से किले वापस लेने के बाद अचानक अपनी मुहिम का रुख मरहटों के कदीम दोस्त वाली गोलकंडा की जानब कर दिया। चूंकि औरंगज़ेब आलमगीर को ये खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वो बीजापुर की जानब यूरश करें तो मरहटे और गोलकंडा वाले मुतहिद होकर मुगलों के लिए परेशानियां पैदा कर दें। गोलकंडा की फौजों ने इब्तदा में तो शाही लश्कर का मुकाबला किया, लेकिन बाद में इनके पांव ऐसे उखड़े कि मुग़ल फौजें हैदराबाद तक जा पहुँचीं। गोलकंडा की मुहिम से फारग होने के बाद औरंगज़ेब आलमगीर ने अपनी फौजों का रुख बीजापुर की तरफ किया और इसे भी फतह कर लिया। इसके बाद 1688 ईस्वी में मरहटों के सरदार सांबाजी को गिरफ्तार करके औरंगज़ेब आलमगीर ने कत्ल करा दिया। मरहटा कौम जिसको के सांबाजी की नाअहलियत ने मुर्दा बना दिया था, सांबाजी के कत्ल से अचानक इसमें नई लहर पैदा हो गई। चिनाचे मरहटों ने सांबाजी के छोटे भाई राजा राम को कैद खाने से निकाल कर तख्त पर बिठा दिया और मरहटों ने कसम खाई कि जब तक हम मुगलों से सांबाजी के खून का बदला ना ले लें चैन से नहीं बैठेंगे। मरहटों को सिर्फ सांबाजी और राजा राम की नालायकियों से ही नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि इनकी आपस में खाना जंगी ने भी मरहटा हुकूमत को ख़त्म कर डाला। इनकी खाना जंगी की वजह यह थी कि हर मरहटा सरदार अपने आप को शिवाजी का जानशीन समझने लगा था। इसके अलावा लूट के माल पर भी एक दूसरे से झगड़े शुरू हो जाते थे। चिनाचे इनके आपस के झगड़ों ने मरहटा हुकूमत को बिल्कुल फना करके रख दिया। जब मरहटों की ताकत टूट गई तो औरंगज़ेब आलमगीर ने मरहटों के तमाम किलों पर कब्जा कर लिया। गरज ये कि 1705 में मरहटा हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन इसके बावजूद मरहटा सरदारों की शोरश पसंदी ने ज़माना दराज तक मुग़लों को काफ़ी परेशान रखा। इसी ज़माने में पुर्तगेज़ियों ने हगली और चिटागंग की तरह हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर भी किले बना लिए थे। बादशाह को इत्तला मिली कि पुर्तगेज़ी भूले भटके जहाज़ों को लूट लेते हैं और हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाने पर मजबूर करते हैं। इसके अलावा पुर्तगेज़ियों के बारे में बहुत सी शिकायात मौसूल हुईं, तो औरंगज़ेब आलमगीर ने गुलशन आबाद की फ़ौज को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन पुर्तगेज़ियों के अड्डों को बर्बाद करें और इनके किलों पर कब्ज़ा जमा लें। बादशाह की हदायत के मुताबिक मुग़लों ने पुर्तगेज़ियों की बस्तियों पर हमला किया और उनके किलों पर भी कब्ज़ा जमा लिया। बहुत से पुर्तगेज़ी मारे गए और कुछ कैद हुए। औरंगज़ेब आलमगीर जिनकी उम्र 91 साल हो चुकी थी और दक्कन के 26 साल के मारकों ने इनकी सेहत को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, 1707 ईस्वी में ऐसे बीमार हुए कि इनको ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी ना रही। आखिरकार 28 ज़िलक़द 1117 हिजरी बामुताबिक 20 फरवरी 1707 ईस्वी को बरोज़े जुमा सुबह की नमाज के बाद औरंगज़ेब आलमगीर 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गए
और उसी रोज इन्हें औरंगाबाद के करीब सुपुर्द खाक कर दिया गया। औरंगजेब आलमगीर ने 50 साल और 3 माह तक हुकूमत की। औरंगजेब आलमगीर का दौरे हुकूमत इस कदर तवील है कि इससे कबल किसी बादशाह को इतना तवील दौरे हुकूमत मुयस्सर नहीं आया।